सोच रहा हूँ रात को डिनर पे जाने के लिए मम्मी को कैसे पटाऊं। अभी सबसे पहले ये देखना है कि मेरी मम्मी और तेरी मम्मी के बीच पट्टी कैसे होगी। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलना होगा। पर कौन बोलेगा? बोलेंगे नहीं, लिखेंगे। क्योंकि जब तक मुझे बोलने में चांस नहीं मिलता था। हम लोगों को हिंदी टीचर ने असाइनमेंट दिया, एक माफी पत्र लिखना है। जाओ अपने पापा से लिखवा ले जाओ। नहीं, टीचर ने बोला मम्मी से ही लिखाओ। मम्मी प्लीज, तुम इतने सारे सीरियल देखती हो, उसमें से किसी का डायलॉग मार दो ना। अच्छा ला दे। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ही अनाप शनाप कहा, उसे मेरी मूर्खता समझकर क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मेरी प्यारी सहेली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। ऐसा है? बढ़िया, अब अपना नाम लिख दो। तुम्हारी सहेली विद्या। ऐसे ठीक है? हाँ ठीक। हेलो विद्या, अंतरा गई? हाँ, मैंने उसे क्लिनिक पे छोड़ दिया। अच्छा, ये है अंतरा के पापा। पापा, मम्मी और अभिषेक है ना। देखो आज अंतरा को कौन लेने आया है? विद्या। विद्या अंतरा को तुमसे कुछ खासा लगाव हो गया है। याद है तुम पहले से झिझक रही थी कि तुम अंतरा की मां बन पाओगी या नहीं? अब देखा, सबसे पहले उसने तुम्हारा ही नाम लिया है। इसने सिर्फ अपनी दिल की आवाज सुनी और तुम्हें पुकारने लगी। मम्मा भी परसों यही कह रही थी कि अंतरा की आंखें तुमसे जो कहती हैं वो सुनती रहो और तुम्हारा दिल जो तुमसे कहता है वो करती रहो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी ने, मुझे बहुत खुशी है। मुझे तुम्हारे और अंतरा के बीच एक रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। वो तुमसे बहुत अच्छी तरह जुड़ पा रही है। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगी। ये तो होना ही था, अब पता चला ना मेम साहब को। खुद की गलती है इसीलिए तो माफी मांग रही है मुझसे। तो तुमने उन्हें माफ कर दिया मम्मी? चुप कर, इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही थोड़े ही माफ कर दूंगी। गया मेरा डिनर। मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सावन के झूले लगे हैं पर तुम्हारे बगैर मैं अभी तक उनके पास भी नहीं गई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मिसेस गुप्ता माफी मांग सकती है। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। चलो मैं तैयार हूँ। कहाँ? डिनर, डिनर पर नहीं जा रहे हम? कहीं आप लोग मेरे बिना डिनर पर जाने के नहीं सोचते हो ना? बिल्लू, तुम्हारी मम्मी कहाँ? मुझे उनसे मिलना। अरे आंटी, मम्मी तो किटी पार्टी में गई है, उनको तो बहुत देर लगी। चलो हम चलते, मम्मी के आने से पहले जल्दी निकलना होगा। आंटी जल्दी करिए। क्यों रे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तू? आज नहीं किटी पार्टी। कितना खराब लग रहा था मुझे, मैं वहां ऐसे तैयार होकर चली गई। किटी पार्टी आज नहीं कल है,